नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। एक कहावत है कि मजबूरी इंसान से क्या ना करवाती। जिंदगी में कभी कभी ऐसा मौका आ जाता है कि इंसान को ना चाहते हुए भी मजबूरी में वो काम करना पड़ता है जिसके लिए उसका जमीर इजाजत नहीं देता। ऐसा ही काम करना पड़ा मोहम्मद इकबाल को। दरअसल देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, प्रवासी मजदूरों का हाल बुरा है। इस लॉकडाउन ने प्रवासी मजदूरों की कमर तोड़ के रख दी। लोगों के पास काम नहीं है, नौकरी नहीं है, इसीलिए खाने पीने से लेकर रहने तक की परेशानी उठानी पड़ रही। इसीलिए ये प्रवासी मजदूर अपने घर की तरफ कूच कर रहे। मोहम्मद इकबाल भी राजस्थान के भरतपुर से बरेली अपने घर जाना चाहते थे। उनके साथ उनका बच्चा भी था जो दिव्यांग। इकबाल खुद तो पैदल चल सकते थे लेकिन दिव्यांग बच्चे का चलना मुश्किल था। इस मजबूरी में इकबाल ने वो काम किया जो उन्होंने शायद कभी नहीं करना चाहा होगा। दिव्यांग बेटे को घर ले जाने की खातिर मोहम्मद इकबाल को चोरी तक करनी पड़ी। इकबाल ने सोमवार रारह गांव से देर रात साहब सिंह के घर से एक साइकिल चुराई। साइकिल चुराते वक्त इकबाल ने वहां एक पत्र छोड़ दिया। साहब सिंह सुबह जब अपने बरामदे में झाड़ू लगा रहे थे तभी उन्होंने वो पत्र देखा। मोहम्मद इकबाल ने उस खत में जो लिखा उसे सुनकर आपके रोए खड़े हो जाएंगे। इकबाल ने लिखा है, नमस्ते जी, मैं आपकी साइकिल लेकर जा रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं और मेरा एक बच्चा है, उसके लिए मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि वो विकलांग है, चल नहीं सकता। हमें बरेली तक जाना है। आपका कसूरवार एक यात्री, मजदूर और मजबूर, मोहम्मद इकबाल खान, बरेली। बता दें कि रारह ग्राम पंचायत राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा पर पड़ता। साइकिल के मालिक साहब सिंह को अपनी साइकिल चोरी होने का मलाल नहीं। वो कहते हैं साइकिल के सुबह बरामदे से गायब होने के बाद चोरी की आशंका होने लगी थी, लेकिन इसके बाद झाड़ू लगाते वक्त जब पता चला कि एक मजबूर व्यक्ति साइकिल ले गया तो अब कोई मलाल नहीं। मुझे खुशी है कि साइकिल सही मायने में किसी के काम आई। इतना ही नहीं, साहब सिंह ने बताया कि साइकिल के अलावा भी कई चीजें बरामदे में थी लेकिन उसे इस व्यक्ति ने हाथ तक नहीं लगाया।